أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، من كان نبيًا وآدم وبيت المعي والدين، سيد الأسدلين نبي العالمين إمام الكملتين وسيدنا وفقهين ساجدين لواحد الحمد والمقابل المحبوب مولانا وقول السكلين أبي القاسم محمد وعلى وزيره ومشيره وبجميع خيره
तीसरे पारे की आयत में इरशाद हो रहा है कि जो इस्लाम के सिवा कोई और दीन इख्तियार करे वो हर देश का बोलने होगा, आखिरत में वो गाटा उठाने वालों में से होगा। हम इस जहाने मिलत इस्लामिया को इस तरफ मुतवज्जे करना चाहते हैं। अगर मिलत इस्लामिया के झुलके अपनी किताबों की बजाय अल्लाह की किताब को हाकम बनाकर, कुरान को फैसला को हकीकत समझ कर, साथे मुस्तफा की इस बात पर साथे मुस्तफा की मार्फत पुरानी आयात से समझने का जज्बा पैदा करे तो आज ही इत्तेहाद व इत्तेफाक कायम हो सकता है, आज ही सरबलंदी मिल्लत का मुकद्दर बन सकती है। आज ये जिल्लत रुसवाई जो आलमो आलमियत में इस्लाम की है ये खत्म हो सकती है, वकार उम्मत बहाल हो सकता है। ये सब कुछ सजा इस अमल की है कि मिल्लत ने एहतराम के मरकज को छोड़कर शख्सियतों का एहतराम करना शुरू कर दिया। सलामत रहे आप जिंदगी एहतराम करना शुरू कर दिया, बोलो सही जिसे उर्दू समझ आती है, शख्सियतों का एहतराम करना शुरू कर दिया। मिल्लत अगर अपने जहन में इस फैसला को हकीकत को रास्ते करे कि अजमत तौहीद अजमत मुस्तफा से वाबस्ता भाई देखिए खुदा हमेशा से है और हमेशा रहेगा, मगर मोहताज तारुफ रहा। अगर रसूल न बताते कि ये वहदहू ला शरीक है, इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तो कौन था जो तारीफ तौहीद करवाता? ये मुकद्दस नबूवत की ज़ात थी कि जिसने कुरान की चोटियों से ऐलान किया या अय्युहन नास कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐ लोगो तुम अल्लाह की वहदानियत का इकरार करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। मैं आपको मंजर मिलाना चाहता हूँ ताकि तुम फलाह पा जाओ। पैगंबर इस्लाम ने ये नहीं कहा कि मुझे वोट दो, पैगंबर इस्लाम ने ये नहीं कहा कि मुझे तख्त दो, बल्कि काफिर को पैगंबर इस्लाम को तख्त और इख्तदार दे रहे हैं कि अरब की हुकूमत चाहे हम तुम्हें अपना सरदार तस्लीम कर लेंगे मगर ये सब कलीमा छोड़ो। भाई सुन्नत रसूल पर चलने का दावा तो तमाम मिल्लत इस्लामिया करती है, आओ आज तलखी एतबार से मुतफिक तौर पर ये फैसला करते हैं कि सुन्नत रसूल पर तुम अमल करते हो या हम अमल करते हैं। भाई देखिए रसूल का पहला पैगाम क्या है, अगर तुम तौहीद को तस्लीम करोगे इसमें तुम्हारा ही फायदा है, मेरा फायदा नहीं। मैं तो रसूल हूँ, मैं तुम्हारे वोटों की वजह से रसूल नहीं हूँ, मुझे उसने नबी बनाया है कि जो एक मरतबा मनसब देकर मासूर नहीं करता। ऐ लोगों कलमा तौहीद पढ़ लो, जब काफिर आए ना पैगंबर इस्लाम को चैलेंज करने के लिए कि ऐ मोहम्मद तुम्हारे खुदा का कानून अरब में नहीं चल सकता, पूछा क्यों नहीं चल सकता, बताया हमारे खुदा 360 बुत हैं, आपका खुदा फकत एक है, यानी काफिरों की जहरियत ये है। और क्यों ना कहना चाहता हूँ अगर आप समझ गए, यानी काफिरों की जहरियत ये है, कानून अक्सरियत का चलेगा। पैगंबर इस्लाम इस अक्सरियत को जवाब देते हैं कानून तो मेरे ही खुदा का चलेगा, चाहे आज चले या कल चले। पैगंबर इस्लाम तमाम दफारे का जब देखा कि इस्लाम अब ताकतवर हो चुका है, क्योंकि हक का काम है क्याम करना, बातल का काम है मिट जाना, तुम कह दो हक आ गया, बातें जाहिर नहीं हो सकती। अब जब पहली दफा आए थे चैलेंज करने के बिल्कुल नहीं चलने दे, अब आए ना तो जरा नरम होकर आए, कहा है मोहम्मद लड़ाई झगड़े का क्या फायदा, कहा हमने कब कहा है कि लड़ाई झगड़ा हो, कहा ऐसे करते हैं कि हमारे पास एक तजवीज है, कहा क्या, कहा बोले 50-50 करते हैं, कहा ये 50-50 क्या होता है, कहने लगे ऐसे करते हैं कि 6 माह आप हमारे खुदा को मान लें,
की मीने जाने के अंदाज सीखे। अब आए अबू तालिब के पास, अबू तालिब अपने भतीजे को मना कर लो कि वो हमारे बुतों को बुरा ना कहे। मतवाजे है ना मेरे जाने बाप, हमारे बुतों को बुरा ना कहे। जनाब अबू तालिब तमाम कफारे मक्का को लेके खिदमत पैगंबर में हाजिर होते, कहते मेरे बेटे भगवान ये काफिर है कि तुम इनके खुदाओं को बुरा कहते हो। जनाब अबू तालिब ने जब कहा ना कि तुम इनके खुदाओं को बुरा कहते हो, तो जनाब मोहम्मद मुस्तफा ने कहा चाचा मैं इन काफिरों के खुदाओं का इनकार करता रहूं। मैं इन काफिरों के खुदाओं का इनकार करता रहूं। जनाब अबू तालिब कहते हैं भाई मेरा बेटा मोहम्मद तुमसे मुताबिक नहीं होता, मगर मैं उससे मुताबिक नहीं होता कि मोहम्मद से वफा तुम्हें तो हम दे रहे ये जहाँ चीज क्या है लोगो कलम दे रहे भाई मोहम्मद पर ईमान लाना मुताबिक है या रिसालत और नबूवत में शक करना ईमान है। आप गए अबू तालिब के पास, अबू तालिब अपने भतीजे को मना कर लो। जब कहा ना कि अबू तालिब तुम अपने भतीजे को मना कर दो, जनाब अबू तालिब ने कहा कि भाई मेरा बेटा मोहम्मद तुमसे मुताबिक रहेगा मगर मैं इससे मुताबिक नहीं होगा। भाई देखिए अजीजा ने मोहतरम रिसालत और अबू तालिब को साथ लेके चलो। 3.5 बरस के बाद वो अल्लाह का नबी जो वही इलाही के बगैर गुफ्तगू नहीं करता वो जनाब अबू तालिब को वही बना कर कहते हैं अच्छा काफिरों ने हमारे वाइकाट का मॉडल लिखा था और काबे की दीवार से लिखा दिया था इसे कभी चढ़ गई सिर्फ नामे मोहम्मद बाकी रह गया है। आप काफिरों से पूछे अगर मेरी खबर सच्ची है तो वायदा खत्म, अगर गलत है तो वायदा बरकरार। अरे मैं कुर्बान जाऊँ अबू तालिब की वसीयत ईमान पर, वही सुनी नहीं वायदा देखा नहीं फिर भी ईमान रखते है और लोग वायदा सुना आदि दिया लिखा हुआ देख रहे थे मगर बदकिस्मती से रिसालत में शक कर रहे थे। तारीख ने यह भी लिखा कि रोजाना उस बिस्तर से अबू तालिब मोहम्मद को हटा देते जिस बिस्तर पर मोहम्मद की जान को खतरा हो, अबू तालिब उस बिस्तर पे मोहम्मद को हटा देते, अली को हटा देते। भाई कायनात में मुझे कोई ऐसा बाप को दिखाओ जो अपने बेटे को अपने भतीजे पे कुर्बान कर दे, जो अपने बेटे को अपने भतीजे पे कुर्बान कर दे। जो करना मेरी जाने अब मैं चुना कहना चाहता हूँ जो अपने बेटे को अपने भतीजे पे कुर्बान कर दे। भाई जब ऐसा मौका आता है तो बेटा कुर्बान नहीं किया जाता, भाई जब ऐसा मौका आता है बेटा कुर्बान नहीं किया जाता, लेकिन जब बात मजहब की आ जाए तो बेटा कुर्बान कर दिया जाता है। भाई मोहम्मद अबू तालिब के भतीजे का नाम नहीं है, मोहम्मद नाम है अबू तालिब के मजहब का। सलामत रहे बल्कि मोहम्मद नाम है अबू तालिब के मजहब का। तारीख ने यह भी लिखा कि रोजाना बिस्तर बदलते, हालांकि अबू तालिब के और भी बेटे थे, जाफर भी थे, तालिब भी थे, अकील भी थे, न कभी जाफर को मोहम्मद के बिस्तर पे लटाया न कभी अकील को मोहम्मद के बिस्तर पे लटाया, हमेशा मोहम्मद के बिस्तर पे अली को लटाया। इसलिए कि अबू तालिब की ईमान परवार निगाहें समझती थी कि मोहम्मद के बिस्तर पर अली के सिवा कोई आ ही नहीं सकता। दोस्तों आपने जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम का खुतबा तो तमाम उलमा से सुना होगा जो जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने अपने अब्द के मौके पर पढ़ा। मैं जनाब अबू तालिब के खुतबे का वो जुमला सुनाना चाहता हूँ जो जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने जनाब मोहम्मद मुस्तफा के अब्द के मौके पर पढ़ा। मैं दोनों खुतबों का एक ही जुमला सुना दूँ ताकि ईमान गाजा हो जाए। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा के अब्द के मौके पर अपने जुमले का आगाज इस जुमले से करते हैं कि हम्द और सना है उस रब की, हम्द और सना है उस रब की अज़ल की। अभी कुरान का ज़हूर नहीं हुआ था और जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम अपने खुतबे का आगाज
सलामत रहे आप। या तो अबू तालिब के ईमान पे ईमान ले या फिर नमाज पढ़ना छोड़ दो। ये भी हदीस रसूल है कि तमाम बच्चे फितरत इस्लाम के पैदा होते हैं, तो अजय है ना मेरी जाने बाप, उसके पालने वाले अपने जैसा बना देते। भाई जैसा पालने वाला था, भाई जिसे समझ आती है बोलना चाहिए ना, भाई जैसा पालने वाला था वैसा बना दिया। भाई बच्चा अगर ईसाई के घर में आ गया ईसाई हो गया, भाई बच्चा अगर सुन्नी के घर में आ गया सुन्नी हो गया, बच्चा अगर शिया के घर में आ गया तो शिया हो गया। भाई जैसा पालने वाला था वैसा बना दिया। भाई जहूर होते हुए मोहम्मद मुस्तफा को नबी नहीं भी मानो, मगर ये तो मानो कि जहूर हुआ तो फितरत इस्लाम का आया। अबू तालिब क्या गोश में बना था और एक वली बना था। भाई सहूर जब मोहम्मद का हुआ था उस वक्त मोहम्मद का नाम रखने के लिए परवरदिगार खुद तो नहीं आया, जनाबे आमना किया गोश में परवरदिगार खुद तो नहीं आया था, जनाबे मोहम्मद मुस्तफा का नाम रखने के लिए ये नाम मोहम्मद या अब्दुल मुत्तलिब ने रखा है या अबू तालिब ने रखा है। नबी भी नहीं मानते, हम अबू तालिब को रसूल नहीं मानते, इसलिए कि अबू तालिब का बेटा कुल्ले ईमान है। अबू तालिब का बेटा कुल्ले ईमान है, जो कुल्ले ईमान का भी बाप हो उसे अबू तालिब कहते हैं। ऐसे नहीं रहा, जो कुल्ले ईमान का भी बाप हो उसे अबू तालिब कहते हैं। मैंने बहुत बड़ा बड़ी तहकीक की कि मुझे अबू तालिब का कसूर मिल जाए। आखिर ये कलमा पढ़ने वाले अबू तालिब से नाराज क्यों हैं? आखिर ये कलमा पढ़ने वाले अबू तालिब से खफा क्यों हैं? मैंने शेर पढ़ा और सजदा किया हजरत अबू तालिब को, इसलिए कि मुझे अबू तालिब का जुर्म मिल गया था। अबू तालिब बस इस खता पे तुझे इस जहां ने छोड़ा है। इनके बुतों को तोड़ा है। अबू तालिब की नस्ल में जितने भी हैं वो सारे के सारे कुरान हैं। मोहम्मद कुरान है, हसन कुरान है, अली कुरान है, तकी कुरान है, नकी कुरान है, आज़म कुरान है, जाफर कुरान है, अज़ली कुरान है, आज़म कुरान है। अरे जितने भी अबू तालिब की नस्ल में है वो सारे के सारे कुरान है, और जितने ही अबू सुफियान की नस्ल में है वो सारे के सारे शैतान है। बस दोस्तों, अगर दुनिया अजमत अबू तालिब को समझ आती,
अजमत रसूल को समझ आती। वली की बेटियों को मजारों में लगा जो रोने के लिए बैठी। अजराओ आज की मुनासबत से जाहिर साहब किसी फरमाए वो झूठे में और मोहम्मद के कहना चाहता अजदार माँ से पहले बिछड़ गए, माँ से पहले बिछड़ गए, बाप को ख्वाबिश नहीं हो गए। एक का नाम मोहम्मद है, एक का नाम इब्राहिम। मौला तुम्हें सलामत रखे। अजदार दोनों भाइयों को हफ्ते के बाद, दो हफ्ते के बाद मिलने की इजाजत दी। दोनों भाई कहते हैं और दोनों को हफ्ते के बाद, एक हफ्ते के बाद दोनों भाइयों को मिलने की इजाजत दी। अभी ईद उल अजहा आएगा, इस कैद खाने का दरोगा जिंदान खान जिसका नाम मशहूर था, वो अपने अजीजों पारे बच्चों में मसरूफ रहा। मुस्लिम के यतीम बच्चों को खाना देना भूल गया। यहाँ कहा जाता है भाई नहीं है, रात को जब अपने बिस्तर पे सोया उसकी बीवी ने देखा ख्वाब में एक मजदूर है जो मुझसे रो रो के कहती है कनीज़े खुदा अपने शोहर से पूछ मेरे यतीम बच्चों का कसूर क्या है, मेरे यतीम बच्चों को क्यों रुलाता है। जज़ाकल्लाह मौला तुम्हें सलामत रखे। मेरे यतीम बच्चों को क्यों रुलाता है। अजदार मशहूर की बीवी ने मशहूर को उठा के कहा मुझे जल्दी बता तुम्हारी क्या अपनी कोई बच्चे भी हैं। कहा हाँ दो बच्चे हैं। कहा कहाँ के रहने वाले हैं। कहा कूफा के रहने वाले भी हैं। कहा तुझे कैसे पता चल गया कूफा के रहने वाले भी हैं। कहा एक साल गुजर गया है अकेले बैठे कैद में रोते रहते हैं, आज तक इनका कोई मुलाकात ही नहीं आया। अगर ये कूफा के रहने वाले होते कबीर की माँ न मिल आती, कबीर का बाप न मिल आता, कबीर की बहन न मिल आती, आज तक इनका कोई मुलाकात ही नहीं आया। जरा कलम वाला तुम्हें सलामत रखे। आज तक इनका कोई मुलाकात ही नहीं आया। कहा ये खाना भी ले जा पानी भी ले जा, ये बच्चे कोई आम बच्चे नहीं है। अजदार मशहूर खाना लेकर जब कैदखाने के दरवाजे पे आया बड़े शहजादे ने हाथ मार के कहा बदरुवार आज मुझे खाना न दे, मुझे पानी न दे, मेरे भाई के कैदखाने का दरवाजा खोल। उसने कहा कैदी तू ऐसा क्यों कहता है। कहा मैं अपने भाई को सुबह से कई आवाजें दे चुका हूँ लेकिन मेरे भाई ने मुझे कोई आवाज नहीं दी, शहजादे ने मुझे कोई आवाज नहीं दी, तू कैदखाने का दरवाजा खोल। उसने कहा मैं कैदखाने का दरवाजा
الظالمين. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.